गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मॉर्निंग सर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल चेजिंग हैप्पीनेस। आज हम अपने चैनल पे पहली बार एक होटल का रिव्यू करने जा रहे हैं जहाँ पे हम रुके हैं, पिरनी विलेज के अंदर। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल में मुझे बहुत अच्छा लगा। सो आज हमारे साथ हैं बिंटू भैया। जी सर। सर है ये, आगे दिखाइए भैया कौन कौन से रूम से आपके पास। ये सर हमारा रिसेप्शन है सर, यहाँ पे रिसेप्शन अपना। सो दिस इज द रिसेप्शन सर। तो ये इनका रिसेप्शन है यहाँ पे, ये रूम सन है। सो अब कौन से कैटेगरी हम देखने जा रहे हैं? ये सर अभी सर हमारा सुपर डिलक्स कॉटेज सर है ना। ओके, ये सर हमारा टॉप का रूम है सर, सबसे बेस्ट रूम सर हमारा ये। ओके, सो हम इनका सुपर डिलक्स देखें। ओह गुड, तो पूरा मुझे 1 BHK 2 BHK टाइप दिख रहा है। तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल है, देन प्रॉपर सोफा सेट है, यहाँ पे आपके पास टीवी है एंड ऑब्वियसली व्यू तो है। यहाँ पे तंदूर भी लगा हुआ है। ये वर्किंग है या सिर्फ शो के लिए भैया? चलता रहे, चलता रहे, चलता है। हाँ जी, गुड। एंड यहाँ पे है ये प्रॉपर बैल्कनी जहाँ से आप व्यू के मजे ले सकते हैं। काफ़ी बड़ी बैल्कनी है और व्यू तो अल्टीमेट है यहाँ से। ये देखिए, चलते हैं वापस। यहाँ पे कितने रूम है इसमें? दो। इसमें सर हमारे दो रूम है कॉटेज में, जैसे एक रूम में दो रूम है ना। ओके, एक ये रूम बेड हो गया, ये रूम है, इसमें टीवी है, सोफा सेट है, कबर्ड्स हैं, यहाँ पे ऑफिस डेस्क है, देन वॉशरूम है। वॉशरूम पे भी मुझे इनका काफी अच्छा लगा, इनके पास सारी एमिनिटीज हैं यहाँ पे। अगर हम देखें काफी नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स हैं, प्रॉपर एमिनिटीज दी हुई है इन्होंने हर चीजें। इस रूम से भी फिर यहाँ पे बालकनी है जैसे आपको वहाँ पे दिखाई, एंड देन एक और रूम जो सिमिलर काइंड ऑफ रूम है इसमें। यहाँ पे ये चेस्टर भी है प्रॉपर, एंड देन ये दूसरा रूम हो गया। सो ये सुपर डिलक्स कैटेगरी है। सो अगर आप किसी फैमिली के साथ आ रहे हैं, आपकी प्रॉपर फैमिली है या पेरेंट्स और बच्चे हैं, तो वो ये प्रॉपर कॉटेज ले सकते हैं। क्या प्राइस होगा भैया इसका लगभग? इसका सर आज अभी कल सर इसका 35 चला एक रूम का ऑप्शन में। ओके, हाँ जी, दोनों मिला के अगर पूरा एरिया ले तो ये सर आपका 7000 दोनों का। तो 7000 का दोनों का मिला के, एंड देन ये कॉमन एरिया मिल जाता है। अदरवाइज ना सिंगल सिंगल अगर कोई लेता है तो वो 3500 है। हाँ जी। सो अब हम आए हैं डिलक्स कॉटेज में, तो ये देखते हैं ये कैसा है। इसमें भी नीचे यहाँ पे सोफा डाइनिंग टेबल वगैरह सब दी हुई है। ये रूम है, ये उसमें थोड़ा बड़ा होगा सोच रहे थे ना। सो ये वाला रूम और भी बड़ा है, तो वो सुपर डिलक्स था। हाँ जी, ये डिलक्स, ये डिलक्स है। हाँ जी, लेकिन ये बड़ा है। ऐसा क्यों? व्यू की वजह से वो सुपर डिलक्स है। जी जी सर, क्योंकि वो ऊपर वाली हाइट पे है, ये थोड़ा सा नीचे है, तो इसलिए उसके प्राइस थोड़े ज्यादा है, इसके प्राइस थोड़े कम है। व्यू सेम मिलेगा बस थोड़ा कम हाइट से, और ये थोड़ा बड़ा भी ज्यादा है। देखिए डेस्क भी बड़ी है इसमें। यहाँ पे भी प्रॉपर आपके पास कबर्ड मिल जाती है आपका लगेज वगैरह रखने के लिए, और वॉशरूम्स सेम काफी क्लीन वॉशरूम्स हैं। और सेम इसमें भी सेकंड उसी तरीके से रूम है, उसके नीचे वही साइज। सो अब हम आए हैं डिलक्स कॉटेज विदाउट बैल्कनी। सो ऊपर जो मैंने दिखाया वो था डिलक्स कॉटेज विद बैल्कनी। सो सब कुछ इसमें भी सेम एमिनिटीज आपको मिल रही हैं। रूम देखते हैं, ये देखिए साइज वही है जैसा कि ऊपर वाले डिलक्स कॉटेज विद बैल्कनी का था। काफी स्पेशियस है ये। इसका क्या प्राइस है भैया? इसका सर आज का सर 25 है सर ना, 2500 के अराउंड इसका एक रूम का चल रहा है। यहाँ पे देखिए व्यू आपको मिलेगा बट बस बालकनी नहीं मिलेगी, यही डिफरेंस है इससे ऊपर वाली डिलक्स कैटेगरी में, और डिलक्स कैटेगरी विद बालकनी और डिलक्स कैटेगरी विद नो बालकनी। और विद बालकनी वाले का क्या प्राइस है? उसका सर 3000, वो 3000 के अराउंड है। टैक्सेस एक्स्ट्रा? नहीं सर, टैक्स नहीं लगता। विद टैक्सेस? ओके। डिलक्स कैटेगरी में एक फायदा है कि आपको भले ही बालकनी नहीं मिल रही है, लेकिन आपको एक पूरा वरांडा मिल रहा है जहाँ पे आप आराम से यहाँ पे टेबल वगैरह लगवा सकते हैं और यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। तो बालकनी नहीं है लेकिन आपके पास ये पूरा इतना बड़ा स्पेस मिल जाता है, तो
वन एंड द सेम थिंग। और ये देखिए कितने अच्छे फ्लावर्स यहाँ लगे हुए हैं, सो ये भी काफ़ी अच्छा है, आपको अच्छा वो देगा। ये देखिए आई लव फॉग हिल्स कॉटेज, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पूरा फसाड है, ये जब आप आएंगे तो ये ऐसे कॉटेजेस बने हुए हैं। आप जैसे सेथन विलेज के लिए जा रहे हैं उसी रोड पे जो चेक पॉइंट है जस्ट उसको क्रॉस करते के साथ ही लेफ्ट साइड में ये होटल बना हुआ है। सो ये एक और कैटेगरी है डिलक्स रूम विदाउट बैल्कनी की, तो देखते हैं। ये देखिए काफी स्पेस है। क्या प्राइस भैया इसका? इसका 2000 सर ना, 2000। ये देखिए 2000 है। व्यू आपको हर रूम से मिलेगा यहाँ पे, बस बैल्कनी या विदाउट बैल्कनी वो फर्क है। ये नीचे जो कॉटेज बन रहे हैं ये भी आपके ही बन रहे हैं? ये देखिए ये नीचे भी वुडन कॉटेजेस बन रहे हैं, तो वो भी इन्हीं के हैं, थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे फ्लक्चुएशंस क्या चलता है, जैसे भैया बिजी या आपका ऑफ सीजन चलता है या ज्यादा बिजी होता है उसमें प्राइस में? 1000 रुपए का ऊपर नीचे? नहीं, 1500 का ही अंतर होता है। जैसे 2000 का तो ये 2500 तक चला जाएगा। जी सर। जो सबसे महंगा 3500 का है वो 4500 का। सीजन में सर अभी तो ऑफ सीजन है, अभी ये 2000 का। अगर सीजन में सर ये 3 या 4 का हो जाएगा ना, 3 या 4 का ये वाला हो जाएगा। और जो आपका सबसे बड़ा जो 3500 वाला कॉटेज है वो आपका जैसे अभी 35 पे, तो सर आपका सीजन चल जाएगा 7000 या 8000 तक जाता है। और आपका सीजन जैसे कब से कब तक आप कहते हैं? सीजन सर अभी हमारा अभी चल जाएगा 20 के बाद, वैसे दिसंबर का सीजन, दिसंबर का जी। उसका सर मई जून का सीजन सर आपका। हाँ जी, बाकी सर ऑफ सीजन जो सर है। ठीक है, थैंक यू भैया, वेलकम सर। थैंक यू, वेलकम सर। सो गाइज हमने पूरा होटल आपको दिखाने की कोशिश की। प्राइस वाइज कहूँ तो एक्चुअल में ये होटल बहुत अच्छा है, ऑफ सीजन में तो इट इज़ अ वर्थ ऑफ अ डील। सारी एमिनिटीज है, डेंटल किट से लेके शेविंग किट, आपके सारे सोप शैम्पू, स्लीपर्स हैं जो कि आपको बाथरूम स्लीपर्स अलग है, रूम स्लीपर्स अलग है, तो अगर वो सब आप देखो। और एकदम नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है, बहुत साफ और एकदम लग रहा है कि एकदम न्यूली बिल्ड प्रॉपर्टी है, तो आप इसे जरूर विजिट कर सकते हैं। और जब बर्फ पड़नी स्टार्ट होगी तो मुझे लगता है जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इस साइड भी स्नो पीक माउंटेन्स हैं, और उधर जहाँ से बैल्कनी से रूम दिखते हैं वो भी स्नो पीक माउंटेन्स दिख रहे हैं, तो आई एम श्योर यहाँ पे भी स्नोफॉल होता होगा। तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप आ सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी से तो क्या ही स्पॉन्सर होगी। हम लोग यहाँ आए थे, हमने वो एबीबो की तरह थ्रू ये बुक करी, मुझे ये इतना अच्छा लगी प्रॉपर्टी कि आई थॉट ऑफ कि इसके ऊपर पूरी वीडियो बननी चाहिए, दैट दिस प्रॉपर्टी डिजर्व द वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।